हे व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का वेलकम बैक हो गया न्यू अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2022 के बारे में, जो कि अभी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात आती है, जो भी स्टूडेंट नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट यही चाहते हैं कि नीट 2022 की जो अभी जो डेट दे रखी है वो दे रखी है 17 जुलाई, यानी 17 जुलाई जो है इसकी डेट दे रखी है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। तो इसके ऊपर अभी बहुत सारी पिटीशन भी जारी की जा रही, कोर्ट में भी जा रही है स्टूडेंट की, इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक NTA ने इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं दिया है। यानी कि अगर यदि जब NTA ही अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता है तभी इस एग्ज़ाम के पोस्टपोन के बारे में सोचा जा सकता है, नहीं तो नहीं। लगभग इसके 85 चांस है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, 17 जुलाई को ही होगा, फिर भी 15% हम कह सकते हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है अगर गवर्नमेंट ही कह देगी नहीं इसको पोस्टपोन करना है। तो लेकिन जो भी स्टूडेंट नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को 17 जुलाई मान कर ही करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। फिर भी अगर बाई चांस हो जाए तो बढ़िया बात है, थोड़ा टाइम मिल जाएगा, नहीं तो अगर नहीं हो तो भी आपको 17 जुलाई मान कर ही प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा NTA ने भी नया अब नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने नीट 2022 करेक्शन विंडो जारी किया है। यानी कि जिन स्टूडेंट ने नीट का फॉर्म भरा है उसके अंदर अगर यदि उनके नेम के अंदर आधार कार्ड में मतलब किसी भी तरह से अगर यदि कोई मिस्टेक हो गई हो, तो उन्होंने ये विंडो जारी की है नीट 2022 करेक्शन विंडो जारी की है, इसके अंदर आप 17 मई तक अपने करेक्शन कर सकते थे। ठीक है, तो ये थी बात कि नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, इसलिए आप सभी के सभी स्टूडेंट 17 जुलाई मान ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। और अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।